स्टूडेंट आज बीकॉम और बीए सेकंड ईयर में साथ ही पीजीडीसी में हम डीबीएमएस या आरडीबीएमएस के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको डेटाबेस की जानकारी होनी चाहिए, डेटाबेस है क्या, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसके बाद हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात डेटाबेस इसे कहते हैं कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको मैनेज करना किसी बेस के थ्रू और उसको एक सिस्टम में मैनेज करना या सिस्टम के तरीके से मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं डीबीएमएस के बारे में, तो डीबीएमएस सबसे पहले हम जानते हैं डेटाबेस क्या है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझिए अपन लोग, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किसी भी संस्था का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डेटा मैनेज करना चाहते हैं। माने कैसे मैनेज करेंगे, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉई है, तो 100 एम्प्लॉई का डेटा उसमें मैनेज करना और डेटा को ऐसे मैनेज करना कि डेटा में कोई भी कभी भी सुधार किया जा सके या डेटाबेस के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई किया जा सके, तो इन सभी को हम अप्लाई कर सकें। कभी भी उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी हो तो आसानी से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इस प्रकार से डेटा को एक सुव्यवस्थित तरीके से मैनेज करना ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उदाहरण के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं, जो कम्युनिकेशन कंपनी है जैसे आइडिया, एयरटेल, जियो, ये अलग अलग कंपनी है। मान लीजिए हमारे पास आइडिया को देख लीजिए, आइडिया में मान लीजिए हमारे पास 1,000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख लोग कस्टमर हैं उसके, यानी 10 लाख लोग आइडिया की सिम लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आइडिया वाला डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, 10 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन रख रहा है, आधार कार्ड आधार नंबर के थ्रू उसकी जानकारी रख रहा है, क्योंकि सभी सिम को इस समय आधार लिंकिंग कर दिया गया है, तो यानी आधार भी लिंक कर दिया गया है। तो इस प्रकार से उसकी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं डेटाबेस में मैनेज किया गया है, किसी एक सिस्टम में मैनेज किया गया है। तो उसमें जब भी कोई सुधार करना हो, उदाहरण के लिए उस एम्प्लॉय ने अपना नंबर चेंज किया, तो उसी आधार नंबर से हम नंबर चेंज कर सकेंगे, उसका जो नया नंबर दिया होगा, या कि कभी कभी वो कोई दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे बैंक में हम लोग देखते हैं कि बैंक में हमारा अगर खाता खुला है तो उसको भी आधार से लिंक करना, पहले बैंक आधार कार्ड का सिस्टम आया है 15 साल पहले लगभग, तो इस 15 साल पहले हमारे पास डेटाबेस में आधार वाला इंफॉर्मेशन नहीं था, परंतु कहीं ना कहीं आधार को इंप्लीमेंट किया गया। तो हम साधारण डेटाबेस की बात करें जिसे हम मैनुअली रफ पर या एक नोट पर लिखते थे, तो उसमें मैनेज करना ये कठिन हो जाता था, परंतु सिस्टम पे मैनेज करना इसको बहुत सरल है। कारण है कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा और हम उसी के सामने इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जबकि मैनुअली यह ऐड करना संभव नहीं था। तो डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यह हमने एक स्टूडेंट डेटा बेस बनाया है जिसमें हम स्टूडेंट के सीरियल नंबर से एंट्री करेंगे, हम उसका आधार नंबर डालते जाएंगे, उसका मोबाइल नंबर डालते जाएंगे, उसका नेम डालते जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए हमने ये मैनुअली बनाया है डेटाबेस, तो इसको हम रफ पे जैसे ही करेंगे और रफ की साइज मान लीजिए यही है, तो हम इसके बाद अगर हमें डेटाबेस में कुछ ऐड करना हुआ तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे।
परंतु अगर सिस्टम के थ्रू इसे बनाया गया है तो सिस्टम के थ्रू हम एक नया कॉलम इसमें ऐड कर देंगे और इस कॉलम के थ्रू हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन जैसे क्लास हो गया ऐड कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से डेटाबेस में हम कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ फीड कर सकते हैं। कई बार हम कोई भी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मान लीजिए हमने यहाँ पर आधार नंबर दिया है कुछ स्टूडेंट्स का, वो आधार नंबर हमारा गलत क्योंकि कोई भी आधार नंबर में हमने हमारे कोई त्रुटि थी तो उसको हमें सुधारने के लिए अगर हम मेमोरी इसमें बनाते हैं मेमोरी करवाते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें इसको काट करने में और सुधारने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु डेटाबेस में अगर यही प्रॉब्लम हो रही है तो हम सीधा सा वहां पर उसको जाकर के दूसरा नंबर ऐड कर देंगे, ये नंबर मिटा दे सकते हैं, यानी आसानी से मिटाया जा सकता है डेटाबेस में। तो हमारा डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन में तो उसमें हर बार स्टूडेंट चेंज होंगे, हर बार बीकॉम फर्स्ट ईयर में इस बार जो बच्चे आए हैं अगली बार बीकॉम फर्स्ट ईयर में दूसरे बच्चे आएंगे और अगले बार दूसरे बच्चे आएंगे। इस बार डेटाबेस में हर बार इंफॉर्मेशन इंसर्शन का काम होता रहेगा, इंसर्शन के बाद अपडेशन का काम होता रहेगा, डिलीशन का काम होता रहेगा। तो इस प्रकार से किसी डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएशन इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन अपडेशन ये सारी शर्तें लागू होनी चाहिए, यानी क्रिएशन हम डेटाबेस को आसानी से क्रिएट कर सकें। जैसे हमने यहाँ स्टूडेंट डेटाबेस ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक जो रो और कॉलम यानी एक सीट हमने जो बनाई है उसी में रखो, ये रिलेशनल डेटाबेस यानी एक से अधिक किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक से अधिक टेबल का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, होगा ही। तो हमारे पास स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है जहां पर हमने यहां पर आसानी से डेटाबेस को क्रिएट किया, इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन मान लीजिए स्टूडेंट अब हमारे पास नहीं पढ़ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमने फीड कर ली है तो उस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट भी कर सकें, इतनी सुविधा हमारे डेटाबेस में होनी चाहिए। तो हमारे पास डिलीशन मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने लास्ट में बताया कि क्लास शब्द हमने डालना भूल गए थे तो हमने क्लास भी ऐड किया। उदाहरण के लिए क्लास में हमारे पास अलग अलग सेक्शन है तो हम उन सेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्लास में सेक्शन है, सेक्शन के लिए सेक्शन ए बी ए सी डी इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका हम ए बी सी डी इस प्रकार से सेक्शन बांटते हैं, जैसे पेपर में सेट होते हैं वैसे ही सेट बांट रहे हैं। तो हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन मान लीजिए कोई भी चीज हमें डेटाबेस से कोई एक कॉलम हटाना है या एक कॉलम जोड़ना है तो उसको भी आसानी से मॉडिफाई कर सके, अपडेशन अपडेट कर सके डेटाबेस। उदाहरण के लिए कोई हमने जैसे यहाँ पर बताया था कि हमारे पास आधार नंबर गलत हो गया था तो हम आधार नंबर को चेंज कर सके। इस प्रकार डेटाबेस में आसानी से इंफॉर्मेशन को डालना क्रिएट करना डेटाबेस इंसर्ट करना डेटा डिलीशन करना डेटा का मॉडिफिकेशन करना डेटाबेस स्ट्रक्चर का अपडेशन करना ये सारी शर्तों के साथ हमारा डेटाबेस काम करता है। अगर ये शर्तें लागू नहीं होती तो हमारा डेटाबेस एक परफेक्ट डेटाबेस नहीं माना जाएगा। किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो दो चार दस लोगों की इंफॉर्मेशन मैनेज करना ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है, परंतु कहीं जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में यूजर्स हों या कि कस्टमर हों तो उनके डेटाबेस को मैनेज करना प्रॉब्लम की बात है तो उसको प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं और डेटाबेस की सभी सर्वर के साथ काम करना चाहिए।
अब देखते हैं अगर हम डेटाबेस के बारे में, तो डेटाबेस में आसानी से हम डेटाबेस इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, अच्छा सबसे पहले बात, डेटाबेस क्रिएट क्यों करें? रफ में तो हम काम कर सकते थे वैसे ही। तो मान लीजिए एक संस्था में हम काम कर रहे हैं जहां पर लाखों कस्टमर हैं, तो लाखों को हम अगर एक मैनुअली हम बना भी लिए तो उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, मान लीजिए 4 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों ने उसका नाम लिखा हुआ है, तो एक आदमी तो दिन भर में उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं सर्च कर पाएगा। तो ऐसा डेटाबेस किस काम का जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ढूंढ भरना पाए? तो इसके लिए भी हमारा डेटाबेस सर्चिंग का काम करेगा। तो सर्चिंग का काम करेगा तो हम उसमें सर्च करने के लिए भी ऑप्शन होते हैं डेटाबेस में, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर डेटाबेस बनाया क्यों जाता है? सबसे बड़ी समस्या है, डेटाबेस इसलिए बनाया जा सकता है ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को आसानी से मैनेज किया जा सके। मैनेज कैसे करते हैं? डेटाबेस की ये सारी शर्तें तो लागू होंगी। डेटा क्या है? डेटाबेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को नॉर्मल करता है। मान लीजिए हमारे पास 1 करोड़ लोगों की सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम अगर एक ही पेज में पूरी इंफॉर्मेशन बिना रो और कॉलम के लिख दे, कॉम्बिनेशन के जैसे ये टेबल बनाई हुई है, बिना टेबल के हमने किसी की इंफॉर्मेशन लिख दी, तो उसको सर्च करना उतना ही कठिन है जितना कि फिर हम डेटाबेस मैनुअली यूज कर रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए एक कस्टमर का कहीं नाम लिख दिया, कहीं उसके पिता का नाम लिख दिया, कहीं उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, तो फिर हम इसको सर्च नहीं कर पाएंगे। परंतु डेटाबेस में हम की के थ्रू, की एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस में, होता है कॉन्सेप्ट की, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम किसी एक इंफॉर्मेशन को पकड़ करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम डालें यहाँ पर, अगर हम की लगा देते हैं आधार नंबर, तो हम इसमें सर्चिंग करेंगे कि उस व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाए जिसका आधार नंबर ये दिया गया। मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी का आधार नंबर ये दिया गया है, ये आधार नंबर किसी का दिया गया है। अब हमने सर्च किया कि इस आधार नंबर वाले यूजर या कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जाए, तो वो आसानी से इस आधार नंबर वाले रो को सेलेक्ट कर देगा डेटाबेस और उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा। तो डेटाबेस में हमने देखी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक ही की के थ्रू सर्च कर दी। तो की एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेटाबेस में किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से सर्च किया जा सकता है, उस सर्च की गई इंफॉर्मेशन में कोई भी एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो इंसर्शन का हो, कोई नई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना हो, जैसे कि उस आदमी का की इंफॉर्मेशन क्लास चेंज की जाए जिसका आधार नंबर ये हो, तो हम जाकर के आधार नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करके वो क्लास वाली इंफॉर्मेशन को जाकर के चेंज कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो की कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू किसी भी डेटाबेस में आसानी से हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस के बारे में जानेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा या इंफॉर्मेशन को आसानी से मैनेज किया जाता है, ताकि ताकि उस इंफॉर्मेशन में कोई भी एक्शन आसानी से लिया जा सके, जैसे डेटा इंसर्शन, डेटा डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन, इस प्रकार के अल्टरेशन, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग समझे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी डेटाबेस से हम आसानी से इंफॉर्मेशन को ये सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को नॉर्मल तरीके से डेटाबेस में हम हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल एक डेटाबेस को बनाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसानी से उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलेस्ट बना देते हैं। अब हम यहाँ की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट आता है की ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा किसी भी डेटाबेस में आसानी से कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है और उस डेटाबेस को आसानी से सर्च डेटाबेस में किसी भी डेटा को आसानी से सर्च किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास कई सारी की होती है कि जैसे प्राइमरी की, अल्टरनेट या सेकेंडरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, इस प्रकार से हमारे पास की है। जैसे प्राइमरी की, प्राइमरी की शर्त है किसी डेटाबेस के इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट के इंफॉर्मेशन से की बनाई जाती है जिसमें किसी भी डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट हो अगर वह किसी डेटाबेस से आसानी से इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। प्राइमरी की ऐसी की है जिसके द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से यूनिक तरीके से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर आधार नंबर देते हैं तो आधार नंबर देखिए हर व्यक्ति का हर पर्सन का अलग होता है, किसी का मैच नहीं करेगा आधार नंबर। तो इस प्रकार से प्राइमरी की बनाने के लिए आधार नंबर उपयुक्त है। यहाँ पर हम देखते हैं नेम, क्लास, सेक्शन ये चेंज हो सकते हैं या कि ये सभी मिल सकते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स के सेक्शन ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। क्लास कई स्टूडेंट की एक ही हो सकती है, बी ए, बी कॉम, बी एस सी कुछ भी हो सकती है। नेम भी हो सकते हैं एक, जैसे कि राज, राजेश, कुमार, इस प्रकार से ये नाम कई सारे मैच कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इंडेसेस मैच नहीं करेगा परंतु कभी कभी मैच कर सकता है। कंडीशन ऐसी होती है कि कई बार स्टूडेंट पेरेंट का एड्रेस या मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो मोबाइल नंबर अगर पेरेंट का डालते हैं तो मान लीजिए उसकी दो संतान, किसी पेरेंट्स की दो संतान एक ही क्लास में पढ़ रही हैं तो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर भी सेम रहेगा, इस प्रकार से मैच कर सकता है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भी प्राइमरी की नहीं बनाते परंतु प्रत्येक स्टूडेंट का या पेरेंट का कोई भी कैसा भी बच्चा हो कहीं भी पढ़ रहा हो उन दोनों बच्चों का आधार नंबर डिफरेंट होगा, इसलिए की बनाना आधार नंबर उपयुक्त होगा। तो हमने प्राइमरी की बताया कि प्राइमरी की ऐसी की है जिसके द्वारा किसी भी डेटाबेस से आसानी से इंफॉर्मेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। अब हम देखते हैं प्राइमरी की के बाद सेकेंडरी या अल्टरनेट की। तो सेकेंडरी या अल्टरनेट की ऐसी की होती है जो प्राइमरी की बनाने के बाद बची हो जिससे भी प्राइमरी की बनाई जा सकती थी। जैसे आधार नंबर यहाँ पर देख रहे हैं प्राइमरी की बनाई गई है। अगर यहाँ पर हम आगे चल करके एक और डेटाबेस इंफॉर्मेशन को ऐड करें जैसे रोल नंबर,
उनका रोल नंबर मैच नहीं करता कभी भी। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है, आप देख लेंगे कि जब वो पढ़ रहा होता है और उसका एग्जाम देने की बारी आती है तो कभी भी दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं मिले होंगे, क्योंकि डेटाबेस में रोल नंबर यूनिक दिया जाता है। नाम मैच करेंगे, भाई राजकुमार, पिता राजेश, तो ऐसे दो लड़के हो सकते हैं, दो या दो से अधिक कई सारे हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि रोल नंबर राजेश का भी 11 11 11 है और रमेश का भी 11 11 11, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते थे, परंतु अगर हमने आधार नंबर को प्राइमरी की बनाया है तो हम रोल नंबर को नहीं बनाते। तो प्राइमरी की बनाने के बाद जो एक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा एट्रीब्यूट बचता है जिसके थ्रू भी प्राइमरी की बनाया जा सकता था, वह सेकेंडरी की कहलाती है या अल्टरनेट की कहलाती है। अब कैंडिडेट की बात करते हैं। कैंडिडेट की माने होता है कि ऐसी कि कैंडिडेट की ऐसी की होती है जिसमें किसी एट्रीब्यूट का एक पार्ट सम्मिलित हो प्राइमरी की बनाना। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास आधार नंबर है और कई सारे इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तो हम कैंडिडेट की बनाने के लिए हम एक से अधिक कैंडिडेट को आपस में मिला करके जो की बना देते हैं वो कैंडिडेट की कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर दिया नेम, नेम में हम दो तीन पार्ट कर देते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इनको भी अगर हमने लास्ट नेम को मिला करके आधार नंबर में मिला दिया, तो इस प्रकार से नेम का एक कैंडिडेट जो लास्ट नेम है वह इससे मिलकर के प्राइमरी की बना रहा है, तो इस प्रकार से कैंडिडेट की कहलाएगा। अब हम देखते हैं कंपोजिट की। किसी भी डेटाबेस में हम जब डेटा की बात करते हैं और डेटाबेस बनाने की बात करते हैं, तो डेटाबेस में जब हम डेटाबेस को बनाते हैं और उसको बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त एट्रीब्यूट ना हो डेटाबेस बनाने के लिए, तो कई बार हम एक से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से की बनाते हैं, तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट की। जो कंपोज करके मिला करके बनाई गई होगी वह कंपोजिट की कहलाती है। हमारे डेटाबेस में कंपोजिट की, मान लीजिए हमारे पास आधार नंबर ना हो तो मोबाइल नंबर और नेम को मिला करके अगर हमने कोई भी की बनाई है तो ये कंपोजिट की है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक ही पिता की दो संतान है जो सेम क्लास में पढ़ रही हैं, तो दोनों संतान के नाम तो डिफरेंट होंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका नाम है राज कुमार शर्मा और इसका नाम है कृष्ण कुमार शर्मा, और अब हम यहाँ पर देखते हैं मोबाइल नंबर इसका भी यही है, इसका भी यही है, तो भी यहाँ पर नाम तो डिफरेंट है ना, तो नाम डिफरेंट होंगे तो आसानी से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कंपोजिट की बनाते हैं दो एट्रीब्यूट को मिला करके, जो हमने प्राइमरी की बनाई हुई है वह कंपोजिट की कहलाती है। अब देखते हैं सुपर की। डेटाबेस के सभी की एट्रीब्यूट को मिला करके जो की बनाई गई हो, डेटाबेस के सभी एट्रीब्यूट को मिला करके जो की बनाई गई हो वह कंपोजिट की कहलाती है। सभी एट्रीब्यूट को मिला करके जैसे की एट्रीब्यूट, मान लीजिए यहाँ पर आधार नंबर था, यहाँ मोबाइल नंबर है और यहाँ रोल नंबर है, इन सभी एट्रीब्यूट को, इनसे प्राइमरी की बनाई जा सकती थी, इन सभी एट्रीब्यूट को मिला करके जो की बनाई जाएगी वह सुपर की कहलाएगी, यानी उसके किसी भी पार्ट से हम यूनिक इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो हमारे सुपर की एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जो भी हमारे पास की बनती है, की एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से जो भी प्राइमरी की बनती है वह सुपर की कहलाती है। और लास्ट में आप देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? किसी भी डेटाबेस में फॉरेन की वह की कहलाती है। डेटाबेस देखिए, हमने जैसे पहले ही बताया है कि डेटाबेस एक से अधिक टेबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमारे पास मान लीजिए एक हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो एक हम स्टूडेंट एग्जाम की हम टेबल बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम एग्जाम नाम की एक टेबल बनाते हैं और इसमें हमने आधार नंबर, नेम और मोबाइल नंबर हमने दिया है। तो इसमें भी आधार नंबर और इस टेबल में भी आधार नंबर है। तो स्टूडेंट टेबल का आधार नंबर इसके लिए, इस स्टूडेंट एग्जाम टेबल के लिए या स्टूडेंट एग्जाम टेबल के लिए फॉरेन की का काम करेगी, और वैसा ही इसके लिए इसका आधार नंबर फॉरेन की का काम करेगी। तो फॉरेन की एक दूसरे टेबल में जो प्राइमरी की है, जो की है, उसके द्वारा जो हम एट्रीब्यूट एक दूसरे से वो फॉरेन की कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको की के बारे में बताया। तो डेटाबेस के बारे में फिर से हम सुन लेते हैं। डेटाबेस एक ऐसा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया जा सकता है यानी उसमें आसानी से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में आसानी से इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस में आसानी से इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, आसानी से इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो डेटाबेस की ये शर्त होनी चाहिए कि ये सारे काम जिस भी सिस्टम से हो सके वह एक सही डेटाबेस या अच्छा डेटाबेस माना जाएगा। यानी डेटाबेस में डेटा इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सारी शर्तें लागू होनी चाहिए। डेटाबेस में जो हम की बनाए की एट्रीब्यूट के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को आसानी से सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया आपको। तो की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है या की ऐसी ऐसा एक जरिया है जिसके द्वारा हम किसी भी डेटाबेस से आसानी से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और उसमें अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो डेटाबेस आज आपने सुनो, रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में, डेटाबेस में एक कॉन्सेप्ट और आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? एक ऐसा डेटाबेस जिसमें आपस में रिलेशन हो, एक दूसरे डेटा के रिलेशन हो। जैसे हमारे पास कई सारी टेबल है, एक स्टूडेंट से संबंधित हमारे पास, जैसे देखते हैं सबसे पहले एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन, फिर स्टूडेंट एग्जाम, फिर इसके बाद और भी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार से भी मान लीजिए स्टूडेंट की अलग अलग टेबल कई सारी इकट्ठी की हुई है। इन सभी टेबल्स के बीच में आसानी से जो आपस में रिलेशन स्थापित किया जा सकता है वह डेटाबेस रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे आसानी से हम इंफॉर्मेशन को रिलेट करके, एक दूसरे से लिंक करके और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना, उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग डेटाबेस में जो भी समस्याएं हैं, किससे संबंधित डेटाबेस की जो जानकारी दी है उससे संबंधित, इसमें हमारे को सबसे पहली बात है डेटा क्या है, डेटा जान लीजिए। डेटा ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए काम करती है, या इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए काम की हो वह इंफॉर्मेशन है, नहीं तो गार्बेज वैल्यू। उदाहरण के लिए हमारे लिए हिंदी जानते हैं अगर,
तो हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी हमारी इंफॉर्मेशन होगी हमारे लिए कोई भी, परंतु अगर वह संस्कृत में या किसी अन्य भाषा में लिखा हुआ है तो वह हमारे लिए गार्बेज वैल्यू साबित होगी। तो इस प्रकार से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम ये सारे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो भी जानकारी हमने दी है इसको देखिएगा, और भी कोई समस्या होगी तो हमें डेटाबेस से संबंधित अन्य समस्याएं बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।